शाही साहब ये बताइए कि शहीद जो हैं हमारे जो भाई थे हमारे और आपके साथजादे थे जो हमारे भाई थे वो आर्मी में उन्होंने कब आर्मी में ज्वाइनिंग की और किस तरह आपसे इजहार किया कि वो मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ फौज में जाना चाहता हूँ वो किस तरीके से वो इजहार तो उसका बचपन से ही था मतलब उसके लिए तो देर वॉज नो सेकेंड ऑप्शन और इसका आपको पता होगा कि काकुल में ट्रेनिंग होती है लॉन्ग कोर्स था उसका 119 कोर्स इस वक्त मेरे ख्याल 150 के करीब चल रहा होगा तो वो अल्टीमेटली उसने जाना आर्मी में ही था और सिलेक्शन के लिए उसने अपनी दिन रात लगा दिए थे। उन दिनों में जब इसने अप्लाई किया ISSB के लिए उस वक्त वो कराची यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए उसने एडमिशन लिया हुआ था कि इंटर कर चुका था। जिस दिन कॉल लेटर आया तो फ़ोन पे उसने पता कर लिया कि भाई कॉल लेटर्स आ गए हैं। अब उस दिन बड़ी तेज़ बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश थी। अच्छा, मेरी गाड़ी में वाइपर नहीं थे, पुरानी गाड़ी जी, तो मैंने कहा कि बेटे बारिश हो रही है हम मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वाइपर तो है नहीं, नज़र ही नहीं आएगा और बारिश बहुत तेज़ थी। कहने आप है ना शीशे से मुंह बाहर निकालिएगा, मतलब मकसद उसका ये था कि जाना अभी है। मलिर कैंट में हमने जाना था, वहाँ जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ से वो डिलीवर होते हैं। खैर हम गए, मुंह बाहर निकाल के मैं गाड़ी ड्राइव करता रहा, सिलो सिलो पहुँच गए तो उसने ये नहीं देखा कि पानी कितना गड़ा हुआ है, यानी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि घुटने घुटने पानी था जो जमा हो चुका था। तो सड़क से थोड़ा सा नशेब है वो इलाका, वो उसने ये नहीं देखा कि उसके कपड़े ख़राब हो जाएंगे क्या होगा, वो जूते समेत पानी में उतर गया और वहाँ पहुँच गया। तो कह लगे जनाब वो ISSB का लेटर आया, तो वो जो पोस्टमास्टर थे या जो भी थे वहाँ पर बैठे हुए, उन्होंने कहा यार आज तो बारिश है, आज तो हम तो घर पे डिलीवरी देते हैं। कह रहे डिलीवर तो आप अभी करेंगे, मेरे वाले साहब आ रहे हैं। हम भी पानी में बचड़ बचड़ करते हुए पहुँच गए तो उसने कहा कि आप मुंह से कुछ ना कहिएगा मुझे, यानी मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी लगन कैसी है, इसने पानी की परवाह नहीं की और जूते भरे हुए पानी के अंदर, कपड़े ख़राब हो गए और पहुँच गया, मैं आपका लेटर ढूंढ के देता हूँ। तो दो गड्डियाँ बनी हुई थी। अच्छा, एक वो लिफाफा जो भारी होता है ना वो उन लोगों को होता है जो इलेक्ट नहीं हुए, वो उसके अंदर एक रिसाला टाइप का किताबचा होता है नेक्स्ट उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो वो उसने वहाँ से शुरू किया, कह रहे हैं यार वहाँ से देखो ये दूसरा वाला बंच जो है ना इससे देखो ये सिलेक्टेड लोग हैं। उसने निकाला तो तीसरा ही उसका लिफाफा था, उस निकाल के उसने मेरे हाथ में दिया, बस मुझसे वो गले मिला है चिपट के। कह रहे हैं पापा आपका बेटा आर्मी ऑफिसर मुस्तकबिल का हो गया। एक तो ये वाकया था, दूसरा जब वो काकुल जा रहा था तो अच्छा वो एक काली पेटी सी होती है, ट्रंक कहते हैं उसको, तो कह लो यार आम ट्रंक नहीं लेना, 2 साल तक चलता है, ख़राब ना हो जाए, मतलब वो हल्की चादर का होगा, आप चलें मुझे ट्रंक दिलवाएं। खैर हम गए, हमने एक ट्रंक वो लिया जिसका कलर काला नहीं था, और फिर पेंट वाले के पास गए जो गाड़ियों को पेंट करते हैं, उनसे वो पेंट कराया सूखने के लिए। अब बारिश का मौसम और उसमें ज़रा सूखता देर से, तो उसने कहा कि यार ये लगा लो फैन लगाओ इसके आगे, तुम्हें 500 रुपये ज़्यादा दे देंगे।
मतलब उसको बेचैनी ये थी कि जल्दी से तैयारी हो और मैं अपने ड्यू टाइम पे चला जाऊँ। फिर वो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो साथ ले जानी होती हैं, वो सारी शॉपिंग जब हम कर रहे होते थे तो वो बार बार मेरी तरफ देखता था, कहने पापा पीएमए में मेरी बड़ी मेहनत होगी। लोग कहते हैं कि बड़े मुश्किल काम है, मैं मुश्किल समझ के जा ही नहीं रहा हूँ, बहुत आसान काम है। आप सोच लेंगे आपने ये चीज़ हासिल करनी है और आपके अंदर अगर तगड़ा है तो आप हासिल कर लेंगे। मुख्तसर ये कि सारा सामान वामान कराने गया, जिस दिन उसने जाना था उसने कहा आप कैंट स्टेशन तक मेरे साथ चलेंगे और वहाँ से वापस। हालांकि मैंने अपनी तैयारी की हुई थी कि क्वाट तो वो वहाँ काकुल जाना है टिकीला, इतना लंबा सफ़र, वो कह लें यार आर्मी का बच्चा हूँ आप मुझे, आप नहीं जाएंगे बस। खैर वो काकुल गया, अकेला गया और ज़िम्मेदार था काफ़ी, तो उसने रास्ते से मुझे फ़ोन भी किए। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ फ़ोन किया और फिर वो वहाँ का कोई कंसर्न आदमी था उससे बात भी कराई कि यार पापा को दिलासा दे दो कि मैं सही सलामत यहाँ पहुँच गया। 2 साल की ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट टर्म के बाद वो जब घर आया तो बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है फर्स्ट टर्म में जी, तो वो ऐसा दुबला हो गया था। तो उसकी वालदा ने कहा कि माँ के बड़े चाहिए थे, उनके बाजू पे सर रख कर वो पता नहीं क्या क्या बातें करते थे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो वो माँ ने कहा कि बेटा ये तू तो बहुत दुबला हो गया। उसने कहा कोई मसला नहीं है, मैं नेक्स्ट टर्म में आऊँगा ना तो आप सेहत अच्छी देखेंगी, थर्ड टर्म में आऊँगा तो और अच्छी सेहत देखेंगी, फोर्थ टर्म में आऊँगा तो आप मेरे को बिल्कुल सेहतमंद देखेंगे। मतलब वो डिमोरलाइज नहीं हो रहा था किसी भी मामले में। खैर वो जितने दिन यहाँ रहना था वो रहा और फिर उसके बाद सेकेंड टर्म के लिए चला गया। अगेन उसने ये कहा कि आपको जाने की जरूरत नहीं, बस जितनी गाइडेंस थी वो हो गई, मैंने रास्ता भी देखा हुआ है तो पहुँच जाऊँगा। 2007 की बात है जब ये इंडक्ट हुआ, वहाँ जब पासिंग आउट परेड होने लगी तो पहले से पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। आर्मी एक कंप्लीट डिसिप्लिन अदारा है जी, वक्त पे हर चीज़। फिर हम गए, पूरी फैमिली गई हमारी, वालदा उनकी बीमार थी तो उनको लाहौर में हमने स्टे कराया उनके भाई के घर और हम लोग चले गए। तो वो मेरे से मिलने को बेताब था और उसने मुझे बताया हुआ था कि वो किस जगह खड़ा हुआ हुआ उस कॉर्नर के ऊपर। तकरीबन 10-20 हज़ार लोग होते हैं वहाँ पर, उन सबके खाने का अरेंजमेंट, रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट, बहुत बड़ा सेटअप होता है। तो मैं बजाय, मुझे पता था कि ये कुछ भी नहीं खाएगा, मेरा इंतज़ार कर रहा हुआ, मैं गया तो कॉर्नर पर खड़ा हुआ था, जाके गले लगाया, कहला आई एम नो मोर जीसी नाउ, आई एम सेकंड लेफ्टिनेंट, गले लगा और कहला पापा कभी आपके पास शिकायत नहीं आई, मैं आर्मी में बेनती है मेहनत करूँगा, मेरा इश्क है आर्मी, मेरा डेस्टिनेशन है। वहाँ से वापस आए, लाहौर गए, उनकी वालदा को लिया और मेरे कराची आ गए। जितने दिन रेस्ट था उतने दिन वो यहाँ रहा और उसके बाद उसकी वो पहली पोस्टिंग हुई सरगोधा में। बेसिकली वो ड्रोन का यानी एक्सपर्ट था और स्कूल ऑफ आर्मी एयर डिफेंस में इंस्ट्रक्टर भी रहा एज ए, जब कैप्टन था जी, एज ए क्या कहते हैं उसे
वो ट्रेनर कह लें आप, उसका नाम कुछ और है, सब मेरे जहन में नहीं, वहाँ उसने ट्रेनिंग दी, 2 साल रहा, और उस अरसे में आर्मी चीफ ने भी वहाँ विजिट किया, उसके साथ उसकी तस्वीर भी है ड्रोन के हवाले से। वो काफ़ी अरसे रहा सरगोधा में, फिर जब वो कैप्टन हुआ तो एडजुटेंट हो गया, एडजुटेंट बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है, उसके बाद वो बैटरी कमांडर हो गया, फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया, ये वॉलेंटियरली गया था सियाचिन, सियाचिन पे लोग हेजिटेट करते होंगे, लेकिन वो तो बड़ा खुशी खुशी गया वहाँ पर, वहाँ उसने वो हार्ड एरिया कंप्लीट किया, वापस आया तो कहूटा पे उसकी ड्यूटी लगी, कहूटा पे मोस्ट सेंसिटिव जॉब थी उसकी, और कहूटा में भी बैटरी कमांडर था वो बैटरी ऐसी नहीं होती जैसे कार की बैटरी, तो उसमें 50 से ज़्यादा लोग एक बैटरी पे काम कर रहे होते हैं। फिर वो ट्रेनिंग के लिए उसको ड्रोन की एडवांस ट्रेनिंग के लिए चाइना भेजा गया, वहाँ से कामयाब लौटा, और इस अरसे में उसकी हमने शादी कर दी। शादी भी उसकी शर्त ये थी कि कोई शहीद की बेवा हो उससे करूँगा, और मेरा फुल अरेंज मैरिज थी, मतलब ये कि आम जैसे लड़के करते हैं ऐसी कहानी नहीं थी। हमने उसने मैंने कहा भाई 2-4-5 नाम बता दो, उसने शौदा की लिस्ट वहाँ से उठा ली, तो किसी के 4 बच्चे थे, किसी के 5 बच्चे थे, किसी का, जिस बच्ची जो मेरी बेटी है मैं बहू तू नहीं कहता उसको, और वो वाकई बिहेव करती है जैसे मेरी रियल डॉटर हो। मेरी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, अब अदील की शहादत से पहले 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियां, तो लास्ट में वो उसकी पोस्टिंग हुई जब वो चाइना से आ गया, उसके बाद कई माह के बाद पाक अफगान बॉर्डर पे, आपको याद होगा बे इंतहा कैजुअल्टीज होती थी वहाँ पर रोज़ाना, तो वो वहाँ का ट्वाइस ही था, यानी उस पूरे बॉर्डर के जो 482 किलोमीटर का एरिया था, और ये जहाँ जहाँ रहा है वहाँ इसके जूनियर्स, इसका स्टाफ, ये लोग, यानी मैं कह रहा हूँ ना अभी 7-8 महीने हो गए, लेकिन अब भी रेगुलर आना जाना लोगों का लगा हुआ है, फातिहा के लिए आते हैं, जिनकी पोस्टिंग यहाँ हो गई वो यानी पोस्टिंग ज्वाइन करने से पहले ही यहाँ पहुँचे हुए होते हैं, तो उसका दायरा अहबाब बेइंतहा था। जब वो कमांडेंट था, वो राहिल शरीफ साहब कमांडेंट थे PMA के, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के, तो उस दौर में ही उसने वहाँ से किया, तो राहिल शरीफ का तो वो ऐसा फ़ैन था बचपन से, तो वो मेजर अजीज भट्टी बनते बनते वो फौज भी चले गए। तो बाजवा साहब का जब अभी ये नींद को PM ने लगाया नहीं था, वो प्रपोजल जाती है ना जी जी, तो लास्ट 3, तो उसमें कहने लगा पापा ये बाजवा साहब अगर हो जाए ना समझना बड़ा अच्छा हो जाए, मैंने तुम जानते हो, कहना नहीं सर वो जनरल है 3 स्टार, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन उनको पढ़ा हुआ है मैंने, तो मेरे नज़दीक तो बाजवा साहब, इत्तेफाक से बाजवा साहब हो गए, कह रहे हैं आपकी दुआ कबूल हो गई।
और जब वो यहाँ स्कूल ऑफ आर्मी एंड डिफेंस आए तो दिल की उस यूनिट के स्कूल का भी उनका विजिट था, वहाँ मुलाकात हुई। वो तस्वीर के अंदर ही लग रहा है कि उसके चेहरे पे कितनी खुशी है, खुशी कि मैं जिसका एडमायरर हूँ मेरे सामने खड़ा हुआ है। खैर उसी शहादत के बाद वाजा साहब से भी मिले, वो भी आए, बहुत सारे जनरल्स आए मेरे घर पे, सीएम आया, मिनिस्टर्स आए, फेडरल मिनिस्टर्स आए, बहरहाल मतलब लोगों की मोहब्बत है। तो हमने उसकी शहादत के बाद ये तय किया कि जो कुछ सोचता था उसको पाए तक मिले पहुँचाया जाए, और उसके लिए वही रास्ता था एक एनजीओ का, क्योंकि हम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम कर ही नहीं सकते थे। हाँ अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ठग से कर देता, दूसरी नो सेकंड ऑप्शन। तो वो एनजीओ बनाई, उसकी डिटेल आपको नबील बताएंगे, उनके बड़े भाई। बाकी मैं कौम के लिए एक पैगाम दूंगा कि देखें, खुली आंखों से देखो, वेल अवेयर रहो। आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जिन कौमों ने अपनी फ़ौज का साथ नहीं दिया उनका हशर क्या हो गया। इराक देख लें आप, शाम देख लें आप, लीबिया देख लें, देर आर मैनी एग्जाम्पल्स। जी जी बिल्कुल। तो अपनी फ़ौज से सिंसियर हो जाओ, यूनिटी होनी चाहिए हम लोगों में, और पाकिस्तान फर्स्ट जो मुशर्रफ साहब ने कहा था, सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान जी। तो ये ओवर टू नबील। नाज़रीन आपने देखा और सुना शाहिद साहब को। शाहिद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि नो डाउट वो एक शहीद के फादर हैं, और शहादत हमारे इस्लाम के अंदर और हमारे पाकिस्तान के अंदर हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो शहीद हो। ये वो लोग थे, ये वो लोग हैं कि ये जागते हैं तो हम सुकून की नींद सोते हैं, अगर ये नहीं जागेंगे तो हम सो नहीं सकेंगे। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी का साथ दें, पाकिस्तानी अफवाज ज़िंदाबाद है, और पाकिस्तान के जितनी भी एजेंसीज हैं हमें चाहिए, हम तमाम लोगों को चाहिए कि उनको सपोर्ट करें। और इस मुल्क में जो जराइम और जो दहशतगर्दी है उसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करने के लिए हमें और आवाम को जो है वो पाकिस्तान आर्मी का साथ देना पड़ेगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, कैमरामैन उसामा जान के साथ सरफराज सागर, रॉयल न्यूज़ कराची।